fast telegraph with 15 second and throw tunnel 450 meter in 45 second. The length of the train is. तो practical approach हाँ. Normally जो train है अगर practically सोचोगे तो ट्रेन इनिशियली एक्सेलरेट होती है और फाइनली डीएक्सेलरेट होती है. बीच के टाइम में करीब करीब ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है नॉर्मली. ठीक है, ऐसा मतलब 100% सही नहीं है, मगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखोगे तो जो बीच के ट्रैक में इनिशियल बीच के इनिशियल जब रुकने वाली होगी तो डीएक्सेलरेट करेगी, चलने वाली होगी तो एक्सेलरेट करेगी, और बीच में करीब करीब वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है. कभी कभी चेंज होती है ट्रैक पे, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके हम इसको सोच सकते हैं. फिर वैसे भी प्रॉब्लम को अपनी तरफ से कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते, क्योंकि अगर एसोलेशन होगा तो उसकी वैल्यू चाहिए, वो तो है नहीं, फिर क्या करोगे. तो ये मैंने ट्रेन बना ली और अब मैं पोल बना लेता हूँ. पोल को क्रॉस करती है और टनल को क्रॉस करती है. ठीक है, हाँ चलो एक सेकेंड, पहले पोल बना लेते हैं. ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको. पहले मैं पोल बना लेता हूँ, लिटिल बिट ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करूँगा, बस दो मिनट रुक जाऊँ. ये रहा मेरा पोल, बस प्रैक्टिकल चीज़ समझनी तो क्या है, इतना बड़ा काफ़ी है. इसको नीचे ठीक है, ये हो गया, ये ट्रेन हो गई. इसका ये वाला एंड ध्यान से देखना, जब ट्रेन की लेंथ एल है, चलो ये पूरा ध्यान से देखना, ट्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है जब ये पोल को क्रॉस करता है तो ट्रेन का एक पार्ट लोगे, या तो फ्रंट लोगे या बैक लोगे. थोड़ा छोटा कर दो समझाने में आसानी, ऐसे समझने लंबा. यहां से फिर से देखो, जब ये पोल को क्रॉस करती है तो सिर्फ आगे वाला पार्ट देखना, सिर्फ आगे वाला पार्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी लेंथ के जितना, है ना, सिंपल समझ आ गया. तो अगर इसकी लेंथ एल के बराबर, वही चीज प्रैक्टिकल चीज सोचनी है, तो उसकी अगर लेंथ एल के बराबर है, उसकी लेंथ अगर एल के बराबर है तो ट्रेन पास द टेलीग्राफ पोल इन 15 सेकेंड. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, वेलोसिटी हम कांस्टेंट ले लें, वेलोसिटी कांस्टेंट ले लें, तो 15 सेकेंड में तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम. क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, एल, और वेलोसिटी कितनी है ट्रेन की, वी, और टाइम कितना है, 15 सेकेंड. तो ये तो पहले केस के लिए हो गया कि L इज इक्वल टू 15 इंटू वी, L इज इक्वल टू 15 इंटू वी, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एक ही इक्वेशन, ऑब्वियसली इससे काम नहीं चलेगा. अब हम बात कर लें, एंड थ्रो अ टनल 450 मीटर लॉन्ग. अब अगर टनल बनानी है तो टनल मैं एक लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट टनल तो क्या बनाऊंगा. ठीक है, टनल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देता हूँ. सपोज दिस इज द टनल एंड आई विल शो इट बाय हॉरिजॉन्टल लाइन. ये टनल थोड़ी सी लंबी होती है. ठीक है, चलो यहाँ पर ये आ गई टनल. पोल के बाद फिर टनल को क्रॉस करना है, जस्ट इसके बाद टनल हो गई. पोल को, अब पोल वाला तो नहीं लगा, पोल को क्रॉस करने के बाद अब देखना, यहां पर एनालाइज करके देखना, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसका फ्रंट वाला हिस्सा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, टनल ऐसे देखो, क्रॉस करने का, अभी वो बैम्बू छोड़ दो, है ना, पीछे वाला पार्ट छोड़ देना, मतलब जो है पोस्ट छोड़ देना, तो सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा, ये फ्रंट वाला देख रहे ना, ये वाला फ्रंट वाला ध्यान से देखना. इस टनल को क्रॉस करना है तो फ्रंट वाला क्रॉस करना, ये एंटर करी टनल के अंदर, ये एंटर हो गई. ठीक है, एक मिनट कर्सर से ही कर लूँ, कोने पे कर लूँ कर्सर, पेन टैबलेट में तब समझाता हूँ, तो पूरा एक साथ समझ में आ जाएगा. अब देखना, ये एंटर की, ये टनल, यहाँ से ये एंटर की, टनल के अंदर एंटर, अभी टनल के अंदर है, टनल के अंदर है, टनल के अंदर है. टनल को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ,
कि पूरी टनल से बाहर निकल गई ये 450+L. हाँ तो 450+L, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड. इसको प्रैक्टिकली सोचना था इसलिए अच्छा क्वेश्चन था. तो दिस विल बी 450+L. तो दूसरी बार में ये हो जाएगा 450+L. तो इसीलिए शायद प्रैक्टिकली कई बच्चों ने सोच लिया तो आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं बताया था. इस तरह का खाली एक क्वेश्चन था मगर ये नहीं था इस क्लास में, तो नहीं बता. L plus 450, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी तो वही ले लेंगे, है ना, वेलोसिटी वही ले लेंगे. टाइम ऑफ 45 सेकंड लग रहा है, ठीक है. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले, सॉल्व कर ले, तो L की वैल्यू आ जाएगी. तो लिखो, बाकी तो कैलकुलेशन है. L plus 450, 225, बस लिख दो बस उतना ही. हाँ बाकी तो सॉल्व कर लोगे. 45 by 15 कितना आ रहा है, L की वैल्यू कितनी आ रही है? 225 ऑप्शन है. ऑप्शन है तो L को सॉल्व करके देख लेना, 225 मीटर आ रहा है, ठीक है. चलो ये भी हो गया, 225 मीटर डिस्कशन हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड.